नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए यह कक्षा आज पॉलिटी की है, जिसमें हम एग्जीक्यूटिव चैप्टर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपको भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार पुस्तक से ली गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट अ वर्क एग्जीक्यूटिव, उसी का यह चौथा अध्याय है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से दिलाई जा रही है, बिल्कुल मुफ्त, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। लेकिन आप इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका इन्फिनिटी वन एकेडमी का परिवार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनके लिए भी शिक्षा का स्तर सही किया जा सकता है, अगर आप लोगों का सहयोग हो तो। चलिए, आपकी जनरल कंपटीशन की जो कक्षा होने वाली थी, कुछ कारणवश प्रारंभ नहीं हुई थी और यह बहुत जल्दी इन दिस मंथ आपके लिए वह लाई जा रही है, जिसमें हम अभी हाल फिलहाल हमारे स्टेट पीसीएस वगैरह, बीपीएससी वगैरह है, फिर यूपीएससी वगैरह होगा, यूपी पीसीएस वगैरह होगा, या जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए, या आपके लिए बहुत जल्दी इतिहास की कक्षा से आपकी कक्षा प्रारंभ होगी। चलिए देखते हैं, इसमें कहता है इंट्रोडक्शन के तौर पर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीन अंग है, जिसमें देखते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, देर आर थ्री ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये तीन ऑर्गेन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीन अंग हैं गवर्नमेंट के। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि यह किस तरह से इसके काम होते हैं। मेरे दोस्तों, यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीन अंग हैं, और आज जो हमारी चर्चा होगी एग्जीक्यूटिव पे होगी, जिसको हम लोग कार्यपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका पे हमारी चर्चा होगी और देखेंगे कि यह एक दूसरे को कैसे नियंत्रित करती है और नियंत्रित भी होती है, नियंत्रित भी होती है, रेगुलेट भी होती है। इसमें कहता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आर द थ्री ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार के तीन अंग होते हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की हम चर्चा करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव स्टेट के स्तर पर पढ़ते हैं, वहां की विधानसभा के बारे में, और लेजिस्लेटिव, देख लीजिएगा इस शब्द को, लेजिस्लेटिव विधानसभा होता है, विधानसभा होता है बेटा, और इसका मतलब विधायिका होता है, यह केंद्र के स्तर का होता है और यह राज्य के स्तर का होता है, और इसकी शक्ति इससे अधिक होती है, क्योंकि आप जानते हैं फेडरल सिस्टम में, संघात्मक व्यवस्था में, राज्य की शक्ति कहीं ना कहीं, अगर केंद्र चाहे, अगर केंद्र को ऐसा लगे कि राज्य का कार्य सही से नहीं हो पा रहा है, तो राज्य उस पर अंकुश लगाने, केंद्र उस पर अंकुश लगाने का कार्य कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। कहा, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर आर इंटरडिपेंडेंट, द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या कहा इसमें, इसमें कहा द लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। मतलब यह एक दूसरे को कंट्रोल करती है और एक दूसरे से कंट्रोल भी होती है, इसी को हम देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना हम समझ गए। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका में कानून बनाने का काम होता है, न्यायपालिका में
उन कानूनों को अगर कोई दिक्कत होता है तो जस्टिफाई का काम होता है। ये सरकार के तीन आर्गन है, तीन आर्गन तीन अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या वैसे छोड़ दीजिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यह सरकार के तीन अंग है। और यह तीनों का काम है, ये दुगो का काम है नीति बनाना, और इसका काम है उन नीतियों को एक अमलीय जामा अगर पहनाया गया है, अगर उसमें कोई थोड़ थम कुछ कम बेसी है, उसको ये कहता है कि आप इसको सुधार कीजिए, और सुधार करने के लिए एक रेगुलेटरी रेगुलेट करता है कि आप इसको ऐसे कीजिए, अगर नहीं होती है तो यह अपने तरफ से भी निर्देश देने का काम करता है उस ऑडियंस से जो भी बिल होता है उस पे, या जो रूल होते हैं उस पे। जैसे देखिएगा अभी हाल फिलहाल कृषि कानून हुई, न्यायपालिका ने कहा कि देखिए बात तो आपकी सब सही है, आपने रूल बनाया, जनता की लोग हैं उनकी जितने भी रिचमेंट हैं उनको आप ज्यादा धनी बनाना चाहते हैं, धनी बनाना चाहते हैं और बनना नहीं चाहते हैं, तो आप इसको कितना बनाइएगा? अगर आप हमको पिला रहे हैं जमालगोटा कि आपको लूज मोशन हो जाए, बताइए एक बात, ये जमालगोटा हमको पीने का मन नहीं रहेगा तो आप हमको पिलाइएगा? नहीं पिला सकते हैं। हमको मन है चाय पीने का, आप दूध पिलाइएगा? संभव है? तो इसी तरह जनता का विद्रोह, आपने देखा कि लाल किला पर कूद फान सब हुआ, तोड़ ताड़ सब हुआ, ट्रैक्टर भी कुदला, लोग भी कुचले, प्रशासन भी कुचली, प्रशासन को भी कुचले। तो इन सब चीजों को आपने देखा कि किस तरह से, यह लोकतंत्र है, इट इज डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में अगर जनता किसी को खड़ा करती है तो गिराने का भी काम करती है, कभी किसी और की सरकार तो कभी किसी और की सरकार, और सत्ता परिवर्तन का चीज है जो परिवर्तन होते रहता है। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं, जरा हम आगे बढ़ाते हैं अपने बातों को, जिसमें देखिए कार्यपालिका क्या है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। तो कहता है कि कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करने का काम करते हैं, वह जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डेली कानूनों को निर्माण करने का या अमलीय जामा पहनाने का काम करते हैं। अब आगे थोड़ा और कुछ कहता है, कहता है कि इन कहा द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स अ बॉडी ऑफ अ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन द एक्चुअल प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कहा लेजिस्लेचर कहा कि हम कुछ नियम बना दिए हैं जिससे जनता का कल्याण होगा, ये कहा कि लाओ भाई हम भी चेक करें तुम क्या सही किया क्या गलत किया, तो ये चेकिंग में अपने यहां लिया, अपने यहां चेक किया, चेक किया इसको कुछ गड़बड़ मिला, कहा फौरन तुम इसको सुधार करो, फौरन तुम इसको सुधार करो, ये सुधार करवा लिया, फिर कहा कि लाओ अब देखते हैं, फिर यहां पे इसके पास लाया गया कि उस पर ठोक ठाक पीट पाट के जिस तरह से एक लोहार काम करता है, इसने उसको सुधार करके सही किया, ठप्पा दे दिया, ठप्पा लगा दिया, मुहर लगा दिया कि अब आगे बढ़ो। अब जो मुहर लग गई तो कहा कि सुनो तुम लोग तो तेज बन गया, एक और हमारे चाचा है राष्ट्रपति चाचा, कहा कि अब उनकी अनुमति की जरूरत है, वह गार्जियन होकर के आपको परमिशन दिए कि नहीं, तो नहीं अभी नहीं दिए हैं, तो राष्ट्रपति चाचा के पास गया, यानी जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं उनके पास गया, और उन्होंने इसको फिर एक अमलीय जामा पहनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, उसके पास या बिल बन के वह एक कानून बन के लोगों के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, कानून बन गया, तो कानून तो मान लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा स्वीकृति, और यह एक कानून का निर्माण हो गया, लॉ फॉर्मेशन हो गया, जब जो लॉ बन गई तो भैया कहा हम तो लॉ दे दिए, दोनों अपर हाउस लोअर हाउस, इट्स कॉल्ड लोअर हाउस और अपर हाउस, इसमें लोअर हाउस अपर हाउस दो होते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि चलिए दे दिए, तब बात आई इनके पास, इनके पास एग्जीक्यूटिव के पास, तो एग्जीक्यूटिव में हुए राष्ट्रपति भी दे दिए। अब इसमें एक और समूह आते हैं लोक सेवक आयोग, जिसको आर्टिकल 315(2), इनको 300 मतलब 315(2), 323 इनको इनके बारे में, इनके कार्यशैली के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इनको मतलब
जो लोक सेवक होते हैं जिनका चयन यूपीएससी के माध्यम से होता है, और यह लोक सेवक के बारे में लिखा गया है, यह एक संस्था है जो आईएएस आईपीएस वगैरह की ऑल इंडिया सर्विस होती है तीन, एक होती है आईएएस, दूसरी होती है आईपीएस और तीसरी होती है आईएफएस, ये तीन होते हैं। और तीनों देखिए, यह वन विभाग होता है, इसको इंडियन फॉरेन सर्विस मत समझना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, इंडियन पब्लिक सर्विस होता है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। इन तीन में तीनों में सबसे ज्यादा ताकत इसकी होती है, और इसी के माध्यम से कोई भी कानून का मतलब राज्य में या जिस जिला में हो या इस राज्य में हो या पूरे देश में अगर बच्चा भी जन्म लेता है तो इसको पता होता है, अगर किसी की मृत्यु भी होती है तो इसको पता होता है। इसकी पावर के बारे में बहुत अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इसके पावर के बारे में भी ज्यादा जरूरत की नहीं है, लेकिन मोटा मोटी यह कार्यपालिका के पार्ट होते हैं और जो लॉ मेकिंग को आगे जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये घर से निकाल करके जो हाउस हुआ ना पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट से निकाल करके ग्राम में लोगों के पास पहुंचाने का काम करते हैं, वही यह है जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, लोक सेवक आयोग इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव, हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तहत यह सारे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनको इनका अध्ययन, इनको पावर मिली है आर्टिकल 315-2, आर्टिकल 322 और एक इसके बाद एक इलेक्शन आप याद रखिएगा जो हमको चुनाव आयुक्त भी पढ़ना है, इसी बुक में चुनाव आयुक्त भी है, उसको आर्टिकल 324 में हमको इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, कहता है कि सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है, और सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका करता है, जो अभी बता दिया, प्रवचन दे दिया, उसके बाद ही प्रवचन ठोक दिया, देखना आगे फिर क्या कहा। फिर उसके बाद कहता है इसी चीज को, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो वन बॉडी में टेक पॉलिसी डिसीजंस एंड डिसाइड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाइल द अदर वन वर्ड्स बी इन चेंज ऑफ इंप्लीमेंटेशन दोज रूल्स द ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट दोज रूल्स द ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट दैट पार्लियामेंट पार्लिया दैट प्राइमरली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देखिए, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है, तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने का काम करता है, जो विधायिका जिसको स्वीकृति दी है, जिसको अनुमति दी है, जिसको कहिए कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, उसको या जनता तक पहुंचाने का काम करने का कार्य किसका है, कार्यपालिका का है, इट्स कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, फिर कहता है कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है, तो नीति निर्माण में भाग ली, लोकसभा राज्यसभा से निकले हुए राष्ट्रपति को हम मिला लिए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति देखिए लोकसभा राज्यसभा अगर बात करते हैं लेजिस्लेचर होता है, और राष्ट्रपति को मिला देते हैं तो एग्जीक्यूटिव हो जाता है, और एग्जीक्यूटिव में फिर लोक सेवक आयोग भी आ जाते हैं जो नीतियों के जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, इट्स कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पार्ट्स, ठीक है। आगे देखिएगा, कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न कार्य होता है, कार्यपालिका का काम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है, और कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर होता है, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर प्रशासनिक ढांचा सिविल सेवा के सदस्य भी होते हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हमने कहा जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करी गई वे इनमें शामिल होते हैं। फिर देखिए, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, मतलब जो राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं वह क्या होते हैं, प्रधान, सरकार के प्रधान और इनके बारे में, जैसे सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, मतलब जो राज्य के राज्य राजनीतिक कार्यपालिका कौन, जो राज्य के नीति निर्माण में जो कार्य करते हैं उन्हीं को कहते हैं। फिर देखिए क्या कहता है, लेकिन हाँ
और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। जो गवर्नमेंट की कोई नीति रूल्स बनाई जाती है उनके लिए वह अकाउंटेबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें अस्थाई कार्यपालिका कहते हैं। एक डीएम का काम होता है जो इन नीतियों को निकला है उन नीतियों को समाज के उस निचली स्तर उस व्यक्ति तक पहुंचाना जहां उन जो रूल्स हैं जो नीति है नियम है उनकी पहुंच नहीं होगी। उस रिचमेंट को वह फुलफिल करने का काम करता है एक जिलाधिकारी। और जिलाधिकारी से भी नीचे उनके छोटे छोटे पद होते हैं। अंतिम पद होता है जब हम आईपीएस वाले पोस्ट में देखते हैं तो इनमें सबसे अंतिम पोस्ट होता है कांस्टेबल का। उससे भी नीचा एक और होता है चौकीदार जिसको कहते हैं। और यह इसी तरह से आप देखते हैं कि एक कांस्टेबल हुआ, कांस्टेबल के बाद एएसआई हुआ एक सिंगल स्टार, फिर आगे निकला उसके बाद एएसआई हुआ फिर एसआई हुआ फिर इस तरह से करके वह पोस्ट नीचे से ऊपर जाकर के एक डीएम बना जिला का मालिक। और जिला के मालिक बनने के बाद स्टेट का वह सचिव बनता है। स्टेट के बाद जाकर के वह ऐसे ही करते करते लास्ट में अगर कोई बंदा अगर 21-22 साल में अगर यूपीएससी कंप्लीट कर लेता है क्वालिफाई तो वह जाकर के राष्ट्र में पूरे देश का भी सचिव बन सकता है सेक्रेटरी हो सकता है। लेकिन उसके लिए 21-22 साल में यूपीएससी क्लियर करेगा वो। ठीक है फिर कहा व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन एडेड इन्वेडेड इन्वेडेड इन द फॉर्मिंग ऑफ अ पॉलिसीज। द ऑफिशियल डिजाइनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सेम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट्स व्हाइल अदर्स हैव चांसलर। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड्स टू द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स। सैडेड हाँ सैडेड यानी उसके बाद कहा विथ द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द टुगेदर नोन एज द पॉलिसीज एग्जीक्यूटिव। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव आर द कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो कि अस्थायी कार्यपालिका होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड होती है। ठीक है अस्थायी कार्यपालिका कौन अब इस बात को पूछे आप नहीं पूछे। देखिए एक हुआ राजनीतिक कार्यपालिका और एक हुआ परमानेंट कार्यपालिका। यही जो लोकसेवा से चुन करके गया ना उसको परमानेंट कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जैसे आईएएस आईपीएस और आईएफएस की बात करें वह परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। वह अपनी नौकरी के पूर्व निर्धारित समय के बाद ही वह अपने पद से हटते हैं। लेकिन यह जो बंधु हमारे आते हैं जो हमारे राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं वह 5 साल या 6 साल बाद अपने एक पद छोड़ देते हैं। फिर जीत करके आते हैं तो बनते हैं अन्यथा फिर नहीं बनते हैं। एक नेता 5 साल के लिए बनता है ना जी। और उसी तरह से एक राज्यसभा का जो सदस्य होता है 6 साल के लिए बनता है। लेकिन एक लोकसभा का सदस्य जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वह 5 साल के लिए होता है। ठीक है आगे देखिएगा इस तरह से हमने देखा। चलिए आगे फिर क्या कहता है कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो सभी देशों में अलग अलग होती है। सीधी बात है सभी देशों में अलग अलग होती है कार्यपालिका। चलिए अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करते हैं चलिए हम आगे चल के कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहता है टू आंसर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ठीक है हमको एक क्वेश्चन है कहता है टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल ब्रीफली आउटलाइन द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग इन द सम ऑफ दिस कंट्रीज। कुछ कंट्री के बारे में
जो नेचर है एग्जीक्यूटिव के बारे में, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यपालिका कॉपी कलम है, जिसमें देखते हैं हम अमेरिका के बारे में यानी यूएसए के बारे में अध्ययन करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें कहता है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अमेरिका है लिखते चलिएगा, जिसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, व्यवस्था है, और अमेरिका की आजादी सन 1776 में सुनिश्चित की गई थी। आगे देखिएगा, और एग्जीक्यूटिव पावर्स आर हेड ऑफ द प्रेसिडेंट, और यहाँ के हेड जो होते हैं ऑफ द प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, हेड ऑफ द प्रेसिडेंट्स इसके होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ के हेड जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, यह यूएसए के बारे में देखें, और उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं जहां नाम है कनाडा। अब आते हैं कनाडा पे, कनाडा, कनाडा, अब कनाडा में देखते हैं, यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, यानी जो पार्लियामेंट्री होती है ना वह डेमोक्रेटिक है, पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक है। आगे देखिएगा, कहता है यहाँ पे जो संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, और संवैधानिक मतलब संविधान के तर्ज पर, संविधान के तर्ज पर, और संवैधानिक अगर बात करते हैं, संवैधानिक अगर बात करते हैं, यहाँ राजतंत्र है, राजतंत्र है, राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो यह कनाडा ने इस पद को मानने से अब 2021 में इनकार कर दिया, कहा कि अब हम किसी रानी वानी को, रानी क्यों है पता है, पता है, नहीं है, भारत आजाद था, नहीं था, गुलाम था ना, जो भारत गुलाम जो बना था, उस गुलामी की जंजीर में अंग्रेजों ने जो शासन किया था, तो आपने देखा था कि 1857 का विद्रोह, क्रांति, रिवॉल्यूशन अपने यहां हुआ था। उस रिवॉल्यूशन के बाद पहले कंपनी अधिकार करती थी भारत में, भारत में पहले कंपनियों का अधिकार था, और जो कंपनी अधिकार करती थी, तो 1857 का विद्रोह हुआ, हेवी विद्रोह हुआ, सत्ता हाथ से निकलने लगी, बहुत सारे लोग मारे गए, तब ऊपर से 1857 में विद्रोह खत्म हुआ, रानी ऊपर से कहती है मेरे प्यारे भारतवासियों, आज के बाद आप यह सत्ता महारानी के नेतृत्व में, एलिजाबेथ के नेतृत्व में देखिएगा, और तब से यह सत्ता महारानी के नेतृत्व में है, इन द सेंस ऑफ महारानी, जो महारानी अभी हाल फिलहाल एलिजाबेथ द्वितीय मरी है, हाल फिलहाल मरी है, तो वही महारानी वहां का संवैधानिक राजतंत्र था, जो कि कनाडा ने कहा सुनो बहुत राज कर लिया, अब हमारे यहाँ इनकी जरूरत है, आपकी जरूरत नहीं है। तो कनाडा ने संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खारिज कर दिया, और अभी संसदीय लोकतंत्र है। यह 2021 की घटना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, यानी या कहा द्वितीय राज्य की प्रधान या होती थी राज्य की, मतलब कनाडा स्टेट है तो उसकी मुखिया होती थी, राज्य मुखिया मतलब हेड ऑफ स्टेट। और यह संसदीय लोकतंत्र अगर बात करते हैं, तो यहाँ का आपने देखा प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का यह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट, इसका आपने देखा सरकार का, इसका पीएम होता था, इसका पीएम होता था, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आएगा आएगा, आज तो बिल्कुल आएगा, नींद भी नहीं आ रहा है सबको। चलो आगे देखो, फिर कहा कनाडा हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बट क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, खारिज कर दो, काट दो, हटाओ उनको, इज द फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट, फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट हटाओ, हटाओ, फिर देखो, एंड हम नहीं हटाए, कनाडा हटाया,
पहले याद रखना, कनाडा हटाया। फिर देखो क्या कहा, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, और पीएम हेड होता है किसका, गवर्नमेंट का। एक सरकार हुआ और एक राजतंत्र हुआ। राजतंत्र को 2021 में फेंक दिया कनाडा, अपना लिया किसको, लोकतंत्र तो था ही, लेकिन वहां पे यह व्यवस्था चली आती है। जब देशों की आजादी हुई थी ना, तो उनको कहा गया कि आप इंग्लैंड के नेतृत्व छत्र छाया में, छत्ता में रहिएगा या छत्ता हटा दीजिएगा। तो भारत कहा कि नहीं, हमको छत्ता नहीं चाहिए, हमको डंडा दे दीजिए, हम खड़ा हो जाएंगे। बापू का लाठी लेके लोग खड़ा हो गया, बापू का लाठी लेके लोग खड़ा हो गया। हम उसके मोनार्की सिस्टम को लात मार के फॉरगेट कर दिए, क्या कर दिए, भूल गए। कारण था कि हम तो ऐसे ही दुहाल थे। गिर गाय को गुजरात में कहा जाता है, गिर गाय होता है, अच्छी नस्ल का होता है, उसको दूहने पर बहुत दूध गिरता है। तो वही हम लोग को दूह करके लेके चला गया, कौन, अंग्रेज, शासन भी किया, दूह करके लेके चला गया। तो दुहाल थे पहले, तो कहे कि ना ना चाचा, हम अपन स्वतंत्रता अपन हाथ में लेंगे, हम खुद अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएंगे, भले हमारी गरीबी बदहाली होगी, हमारे लिए होगी, लेकिन हम इस सत्ता को इनकार करते हैं। और गाय का दूध हम खुद दे दूहेंगे, बछड़ा आप लेके चले जाइए, बछड़ा लेके चले जाइए जो दूध नहीं लगता है, बैल दूध देता है नहीं ना, तो बछड़ा उसको हम लोग दे दिए। और कनाडा बेहुदा था, क्या कि नहीं, हम आपके छत्र छाया में काम करेंगे, छत छाया में रह करके काम करेंगे। तो कनाडा को आपने देखा कि 2021 तक बोझा ढोया बेहुदा कहीं का, 70 के डिकेड से लेकर के 21 तक 50 साल बोझा ढोया है। ठीक है, आगे देखिएगा, ओ भी कनाडा जाएगा, हाँ बच्चा कनाडा जाएगा। आगे देखो, फिर राजतंत्र, हेड ऑफ द स्टेट, ध्यान दीजिएगा। अब भारत में हेड ऑफ द बात करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट अगर बात करते हैं तो प्रेसिडेंट है। भारत में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, इनका भी कार्यकाल 5 साल के लिए सुनिश्चित होता है। अगर उससे पहले अगर लुढ़क जाते हैं या कुछ हो जाता है, इन द सेंस ऑफ उनके साथ, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है, तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यकाल संभालते हैं, जब तक कि प्रेसिडेंट्स का चुनाव नहीं होता। अगर इन द केस अगर आप कहिएगा कि वो भी कहीं लुढ़के हुए रहे, इन द सेंस ऑफ कहीं वो भी अपने पद पर ना रहे, तो उस जगह पर सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होगा वह उस कार्य को संभालेगा। आप कहेगा कि वो भी नहीं होगा, कहीं कह सकते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कमीने तो कहेंगे वो भी नहीं होगा। तो उस सुप्रीम कोर्ट में टोटल अभी 34 जजों की संख्या है, तो उस 34 जजों में जो वरिष्ठ जज होगा उस कार्य को संभालेगा। अब हो गया, अब कोई बात नहीं रहा, कहें कि पूरा कर, अब 3400 थोड़े लुढ़क जाएगा, तो इसलिए एक बात कहा जाता है। तो लास्ट में यहां तक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा देखिए। अब इतना कनाडा में देखा, यह काट दीजिएगा, हेड ऑफ स्टेट काट दीजिएगा, राजतंत्र खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा फिर क्या हुआ। अब कहता है कि फ्रांस के बारे में देखते हैं, याद कीजिए, पूछता है, मैच द फॉलोइंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होता है, लिख के रख लीजिए, यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछता है, 2-3 क्वेश्चन एकदम डिफिनिट है आपका पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब देख लीजिएगा। हमने अमेरिका के बारे में देखा, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट्स होते हैं। हमने अमेरिका के बारे में देखा, अमेरिका देखा, हेड ऑफ द प्रेसिडेंट्स इसमें होते हैं, जो राज्य का प्रेसिडेंट्स होगा वही हेड ऑफ द होगा, सिंगल हो गया, यहां देख लिया हमने। आगे देखिएगा, जिसमें हमने अमेरिका में देख लिया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, पीएस सिस्टम होता है अमेरिका में। आगे बढ़ा फिर देखना, फिर क्या कहता है, कनाडा में हमने देखा हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल देखा, मोनार्की के तौर पर देखा था, और हेड ऑफ द स्टेट देखा था, नहीं, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, मोनार्की देखा था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखा था, पीएम देखा था, प्रधानमंत्री कनाडा में हमने देखा था। अब हम फ्रांस के बारे में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ दोनों होता है, यहाँ पीएम भी होता है और प्रेसिडेंट्स भी होता है, ये दोनों होता है, यानी राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, दोनों होता है कनाडा में। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, गांठ बांध लेना, नहीं मिलेगा इतनी आसानी से, ठीक है। उसके बाद और अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था हिस्से हैं, और यहाँ पे क्या कहता है, अर्ध अध्यक्षात्मक, लिख लीजिएगा, अध्यक्षात्मक व्यवस्था यहाँ है,
सेमी प्रेसिडेंशियल जिसको कहते हैं, या और अर्ध लिख लीजिएगा आगे, अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा, चेक करेंगे अभी 2 मिनट में लिखिएगा, तोड़ेंगे फिर। उसके बाद कहा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये चाचा जो है ना, राष्ट्रपति चाचा, ये प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति करते हैं और अन्य अदर जो भी होते हैं, अदर मिनिस्टर का भी इन्होंने नियुक्ति करने का जिम्मा लिया है। लेकिन कहा कि सुनिए, आप तो सब कर लिए, लेकिन आपको हटाने हम नहीं देंगे। आप इनको हटा नहीं सकते हैं, ड्यू टू रीजन, रीजन है कि यह जनता द्वारा चुन करके आए हैं। तो जनता जनार्दन होता है, तो जनता ने हटाने का तो परमिशन नहीं दिया। अगर आपकी आपस में तू-तू मैं-मैं हो जाएगी तो कमरा बंद करके बात कीजिएगा, रोड पर आइएगा तो आपको हटाने नहीं देंगे, ठीक है? तो ये हटाने की शक्ति इनके पास नहीं है, केवल इनकी नियुक्ति से संबंधित शक्ति इनके पास है, इनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति चाचा के पास में नहीं है, ठीक है? आगे देखिएगा, और उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि संसद के प्रति, और यह भी जो होते हैं पार्लियामेंट के प्रति, इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। पार्लियामेंट के प्रति इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, इनकी जवाबदेही होती है पार्लियामेंट के प्रति, इसीलिए इनको कहता है कि आप थोड़ थम कीजिए, आप दबार के रखिए, आप इधर उधर में रहिए, आप इनको हटा नहीं सकते हैं। फ्रांस की कंडीशन बता रहा हूं, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है फ्रांस में, और यहाँ पे एक प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है, और इस राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की, यानी अपॉइंटमेंट देने की शक्ति है, लेकिन इनको पद से हटाने की, खारिज करने की इनके पास शक्ति नहीं है। हमने 3 स्टेट्स के बारे में अभी तक देखा है, एक यूएस से देखा, दूसरा कनाडा देखा, और तीसरा एक पार्लियामेंट्री और दूसरा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट उसको खारिज कर दिया गया, एलिजाबेथ द्वितीय जी निकल ली, उसके बाद एलिजाबेथ द्वितीय का पद जो था उसको खत्म कर दिया गया 2021 में। और कनाडा में देखा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सॉरी, और हमने देखा अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और फिर हमने फ्रांस में देखा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हैं, और आप देखते हैं कि पीएम को नियुक्त करने और अदर मंत्री मिनिस्टर को नियुक्त करने की पावर इसके हाथ में होती है, लेकिन इसको पद से हटाने की पावर इनके पास नहीं होती है, ठीक है? आगे देखिएगा, समझ पा रहे हैं? चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, इतना हुआ। उसके बाद कहता है इन द फ्रांस, देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इन फ्रांस बोथ ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर अ पार्ट ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल, लिख लीजिएगा इसको कैसी है, तो सेमी है, सेमी माने आधा, आप प्रेसिडेंशियल माने अध्यक्षात्मक व्यवस्था, सिस्टम लगा लीजिए, SYSTEM, ठीक है? आगे देखिएगा, फिर कहा द प्रेसिडेंट्स अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर्स बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, क्योंकि उनके मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं और यह पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यूटिव में जापान को पढ़ना है, यह हमारा पड़ोसी देश है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? देखिएगा, अगर बात करते हैं फ्रांस के बाद हम जापान की बात करते हैं, अगर जापान की बात करते हैं तो जापान देखते हैं कि मैं संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का, यहाँ पे जो राजा होता है वो देश का होता है, और प्रधानमंत्री अगर बात करते हैं पीएम, तो पीएम यहाँ गवर्नमेंट का होता है प्रधान, ठीक है? इसका प्रधान होता है जो जापान है, वहां पे राजा देश का हेड ऑफ स्टेट और पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है जापान में, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जापान हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? आगे देखिएगा, इटली में यह व्यवस्था आपने देख लिया, हेड ऑफ द, या क्या था, हेड ऑफ द स्टेट, क्या कंट्री, यहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आगे देखिएगा, आप इटली की बात करते हैं,
इटली, हमारे यहाँ इटली की एक बहू भी हैं जो कि गांधी परिवार में है, जिनका नाम है सोनिया गांधी, वह इटली की ही हैं। देखिएगा, कहता है इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, इसमें पहले इसको देखते हैं। जापान है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द यूरो, क्या कहता है, इंपीरियर एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का, इसमें भी वही होता है। अगर बात करते हैं यहाँ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और यहाँ पीएम। राष्ट्रपति क्या कहा, राष्ट्रपति देश या कंट्री का, कंट्री का। और यह बात करते हैं गवर्नमेंट का, यह गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सरकार का प्रधान। इटली हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अब रसिया की अगर बात करते हैं, इटली के बाद रसिया की बात करते हैं, कहता है यहां भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और जिसमें राष्ट्रपति देश का, यहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट्स होता है, राष्ट्रपति देश का और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का, और यह नियुक्त किया, अपॉइंट किया पीएम को, और यह पीएम जो हुआ गवर्नमेंट का हुआ, यह पीएम गवर्नमेंट का हुआ, यह हम देख रहे हैं रसिया के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा उसी चीज को कहा, रसिया हैज अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब पीएम गवर्नमेंट का, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट स्टेट का, यह रसिया की व्यवस्था है। इटली में प्रेसिडेंट स्टेट का, गवर्नमेंट का पीएम, ये सारी बात याद रखिए। ठीक है, आगे देखना, फिर कहता है गवर्नमेंट, उसके बाद कहता है जर्मनी। अब जर्मनी में देखते हैं, अब जर्मन को भी देख लेते हैं, इन सबको लिखते चलिएगा। बात करते हैं जर्मनी, जर्मनी में बात करते हैं, इसमें एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश, जो राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान है, और चांसलर सरकार का, और यहाँ पे चांसलर भी होता है जो गवर्नमेंट का होता है, चांसलर गवर्नमेंट का होता है जर्मनी में, इन नाम मात्र का होता है, जिसमें कहा जर्मनी या पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, इन विच प्रेसिडेंट्स इज द सेरेमोनियल हेड। मतलब नाम मात्र अगर होता है तो इसको सेरेमोनियल बोलते हैं, या जो नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का होता है, इसको हम लोग सेरेमोनियल बोलते हैं, और हेड ऑफ द स्टेट एंड द चांसलर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो चांसलर होता है वह सरकार का हेड होता है। ठीक है, आगे देखिए ना, ऐसे क्या कर रहे हैं, देखिए तो कहता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है अध्यक्षात्मक में, और इस व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका, जो अमेरिका की व्यवस्था है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उस जिसमें अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, ये सारे उसमें राष्ट्रपति ही मुख्य कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करते हैं। आगे देखिएगा, ब्राजील भी ऐसा ही है कि अनेक देश में पाई जाती है संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां सरकार का पीएम होता है। ठीक है, और अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है, और जो देश का औपचारिक नाम मात्र का प्रधान होता है, औपचारिक नाम फॉर्मल, जैसे आपने आप भी देखा है, जिसमें देखा सेरेमोनियल जिसको कहते हैं। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है, और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि इन देशों के उदाहरण है यह व्यवस्था है। और अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था यानी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम,
अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। हाँ जी, आगे देखिएगा, फिर कहा, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है, और इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल से हो सकते हैं, और लेकिन जब कभी ये दोनों एक दल से होते हैं तो उनमें आपस में विरोध कम होता है, और एक दल से नहीं होते हैं तो आपस में विरोध होता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। ठीक है, आगे देखिएगा। इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द पार्लियामेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट इज अ वेरी पावरफुल बोथ इन थियोरी एंड प्रैक्टिस। कंट्रीज विद सच सिस्टम्स इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील एंड मोस्ट नेशन ऑफ इन लैटिन अमेरिका। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव प्रेसिडेंट्स और अ मोनार्क हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। इन सच अ सिस्टम द रोल ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ मोनार्क इज प्राइमरी क्या है प्राइमरली सेरेमोनियल एंड प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द कैबिनेट वेल बिल्ड्स इफेक्टिव पावर्स। कंट्रीज विद सच सिस्टम इंक्लूड जर्मनी, इटली, जापान। सिस्टम हैज बोथ अ प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट एंड अ प्राइम मिनिस्टर, बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट्स में प्रोसेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स। ठीक है, इन दिस सिस्टम इट इज पॉसिबल डेट समथिंग द प्रेसिडेंट्स एंड द प्राइम मिनिस्टर में बिलोंग टू द सेम पार्टी एंड द टाइम्स दे में बिलोंग टू टू डिफरेंट पार्टीज एंड दस वुड बी अपोज टू इच अदर कंट्रीज। विद सच अ सिस्टम इंक्लूड फ्रांस, रसिया, श्रीलंका एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए, हमने पार्लियामेंट की इन सब चीजों को देखा। ठीक है, अब भारत में संसदीय कार्यपालिका की बात करते हैं, इन इंडिया एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। इतना तो हमने बाहरी के बारे में देख लिया, दूसरों के बारे में जान लिया, अब कुछ अपने बारे में भी जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है भारत में संसदीय कार्यपालिका इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का और औपचारिक प्रधान होते हैं। सेरिमोनियल हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं, और राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज अ प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कंप्राइज द गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज के लिए यह कक्षा यहीं छोड़ते हैं, हम अगली कक्षा में आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।